जो भूखे जग के भोगों के, उन्हें गुरु शरणी से क्या काम। गेहें गुरु शरणी बड़ भागी, जो हो जग भोगों से उपराम। ये सत्य ही है कि विलासी भोगी अनाधिकारी व्यक्ति को गुरु नहीं मिलते, और यदि मिल भी जाए तो गुरु से ऐसे व्यक्ति कोई लाभ उठा नहीं पाते। सतगुरु तत्व और ईश्वर तत्व एक है। परमात्मा की तरह गुरु भी व्यापक है। श्रुति कहती है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात महेश्वरा, गुरे पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। गुरुदेव शरणागत होने वाले शिष्य को नया जन्म देते हैं, इसलिए गुरु को ब्रह्मा कहा गया। नया जन्म देने का मतलब यह है कि वे शरणागत होने वाले शिष्य के मन के स्वभाव को सुधारते हैं। गुरुदेव शिष्य की रक्षा करते हैं, इसलिए उन्हें विष्णु कहा गया। गुरुदेव शिष्य को मोक्ष देते हैं, इसलिए वे शिव के भी स्वरूप हैं। गुरु किए बिना कोई ना रहे। तुम अधिकारी होंगे तो भगवान की कृपा से तुम्हें सतगुरु मिलकर ही रहेंगे। सतगुरु मिलने के बाद ना ही तो उनके आदेशों की कभी अवज्ञा करो और ना ही कभी मनमानी करो, तभी तुम्हें गुरुदेव से पूरा पूरा लाभ जो है वह प्राप्त हो सकेगा।